प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में राजनीतिक जागृति। राजस्थान में राजनीतिक जागृति के क्या कारण थे, उन सभी कारणों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इन कारणों को पहले मैं संक्षिप्त में बताऊं, कौन कौन से कारण जिनके परिणाम स्वरूप राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति या जन जागरण उत्पन्न हुआ। पहला था किसानों में असंतोष, दूसरा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, तीसरा समाचार पत्र एवं साहित्य का योगदान, मध्यम वर्ग का योगदान, उसके बाद था आर्य समाज और उनकी कार्य योजना और उनका प्रभाव, फिर है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, फिर क्रांतिकारी गतिविधियां का प्रभाव और पड़ोसी प्रांत या पड़ोसी राज्यों के अंदर संपादित होने वाले आंदोलन और उनके प्रभाव और राजस्थान में राजनीतिक चेतना का विकास। इन सभी कारणों पर हम चर्चा आज करेंगे। आइए हम बात करते हैं राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति की उत्पत्ति। जैसा आप सभी को जानकारी है, आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, भारत में राष्ट्रीयता का बीज यह राष्ट्रीय आंदोलन विस्फुटित हुआ था 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप। ब्रिटिश सरकार ने इस क्रांति को दबा दिया या उसका दमन कर दिया, लेकिन जनता में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का दमन नहीं हो सका। 19वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी में राजस्थान में भी तीव्र राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, जिसके प्रमुख कारण, जैसे मैंने पहले बात की थी, वे सारे प्रमुख कारण रहे। अब हम एक एक करके इन सभी कारणों पर विस्तार से बात करते हैं। राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण था किसानों में व्याप्त असंतोष और उनके आंदोलन। इस समय व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो चुका था। लगान व्यवस्था का अधिकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा जमींदारों को दिया जा चुका था। जमींदार द्वारा किसानों पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। जीवन और मृत्यु के अलावा अन्य सभी बातों पर वे अपना नियंत्रण रखते थे तथा वे अपनी प्रजा, अपनी जनता या किसान पर मनमाना अत्याचार करते, और इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में किसान असंतोष उत्पन्न हुआ। इन किसान असंतोष के कारणों में जमींदारों द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार, डॉक्टर एम एस जैन के अनुसार जागीरदारों की बढ़ती विलासिता व्यय जो था उसका भार किसानों पर लाद दिया गया था। दूसरा, इस समय कृषि भूमि की मांग में वृद्धि होने के कारण जागीरदारों का शोषण किसानों के प्रति बढ़ता जा रहा था, और इन परिस्थितियों में राजस्थान में कुछ कृषक या किसान आंदोलन संपादित हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन बिजोलिया का किसान या कृषक आंदोलन। बिजोलिया की जागीर मेवाड़ के अधीन थी। यहाँ के किसानों में जागीरदारों का शोषण के विरुद्ध भयंकर असंतोष व्याप्त था। अतः उन्होंने नानजी पटेल तथा साधु सीताराम के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। जागीरदारों तथा मेवाड़ के महाराजा ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए अत्याचार या दमन चक्र प्रारंभ कर दी, परंतु उन्हें उस दमन या नियंत्रण में सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1915 में विजय सिंह पथिंग ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। धीरे धीरे बिजोलिया आंदोलन इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि उसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। वहां के किसानों ने अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांग रखी तथा गांधी जी ने भी इस आंदोलन को नैतिक समर्थन प्रदान किया। सरकार को इस आंदोलन में रूस के बोल्शेविक आंदोलन की छवि दिखाई देने लगी। अतः 1922 में बिजोलियों के किसान आंदोलन से समझौता कर लिया गया, परंतु यह समझौता स्थायी सिद्ध नहीं हुआ। 1931 में किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सेठ जमनालाल बजाज एवं माणिकलाल
ने इस आंदोलन को अपना धीरे धीरे समर्थन देते हुए इसमें भागीदारीता प्रारंभ कर दी। आंदोलन ने अखिल भारतीय समस्याओं का रूप लेना प्रारंभ कर दिया। जमनालाल बजाज ने उदयपुर के महाराजा से आंदोलन के बारे में बातचीत की, जिसके कारण जलपाई 1931 में समझौता हो गया। परंतु सरकार ने किसानों से उनकी जमीनें वापस देने जैसी बात नहीं की। 1941 में किसानों को उनकी जमीनें लौटा दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप यह आंदोलन समाप्त हो गया। दूसरा आंदोलन था बेगू का किसान आंदोलन। बिजोली आंदोलन से प्रेरित होकर बेगू के किसानों ने 1921 में आंदोलन छेड़ दिया। जागीरदारों ने हिंसात्मक साधनों के द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका सत्ता पक्ष के द्वारा निर्ममता पूर्वक दबन या कुचलने का प्रयास किया गया। परंतु इस आंदोलन की तीव्रता और अधिक भड़क उठी। भारतीय समाचार पत्रों ने किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों को अपने अखबार में स्थान देना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण यह आंदोलन धीरे धीरे सुर्खियों में आ गया और इसे घबरा कर वहां के जमींदारों ने किसानों के साथ समझौता कर लिया। फिर राजस्थान का अगला आंदोलन था भोमट भील आंदोलन। 1918 में मेवाड़ सरकार के प्रशासनिक सुधारों के विरुद्ध भोमट के भीलों ने भी आंदोलन छेड़ दिया। गोविंद गुरु ने भीलों की एकता स्थापित करने का प्रयास किया। मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके कारण ये आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा। भीलों ने लागत तथा बेकार करने की बात करने से इनकार कर दिया। सरकार ने आंदोलन को कुचलने और दमन करने के लिए कठोर कदम उठाने प्रारंभ कर दिए, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस आंदोलन से भीलों को अनेकों सुविधाएं प्राप्त हुई। सरकार ने अनेक प्रयत्नों के बाद 1923 में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया तथा 1936 में उसे रिहा कर दिया गया। अब था मारवाड़ का किसान आंदोलन। मारवाड़ में भी किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। 1923 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारी सभा का गठन किया और किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। परंतु सरकार ने मारवाड़ हितकारी सभा को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। अब किसान आंदोलन का नेतृत्व तो मारवाड़ लोक परिषद ने अपने हाथ में ले लिया। इस संस्था ने किसानों को आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया। सरकार ने किसान आंदोलन की ओर ध्यान रखते हुए मारवाड़ किसान सभा नामक संस्था का गठन किया, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब सरकार ने आंदोलन का दमन या उसको कुचलना प्रारंभ कर दिया। दमन की नीति का सहारा लेने का ब्रिटिश सरकार को कोई लाभ नहीं हुआ। चढ़ावत निजाम नामक गांवों में किसानों पर निर्ममता पूर्वक अत्याचार किए गए। डाबरा में भी अनेक किसानों पर निर्ममता पूर्वक अत्याचार करते हुए उन्हें मार दिया गया। इससे संपूर्ण देश में उत्तेजना की लहर फैल गई, किंतु सरकार ने इसके लिए किसानों को ही उत्तरदायी ठहराया। आजादी के बाद भी जागीरदार उस समय तक किसानों पर अत्याचार करते रहे, परंतु राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन के बाद किसानों को खातिरदारी का अधिकार मिल गया। ये सारे आंदोलन राष्ट्रीयता विकसित करने में सहायक सिद्ध हुए। राष्ट्रीयता या राजस्थान में राजनीतिक जनजागृति उत्पन्न करने में अंग्रेजी शिक्षा का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने राजनीतिक चेतना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर M.S. जैन के अनुसार 1931 में समस्त राजस्थान में 1% से भी कम लोग अंग्रेजी बोलते थे। अंग्रेजी बोलने वालों का यह प्रतिशत कम होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। आधुनिक ढंग से शिक्षित ये लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक थे, परंतु राजकीय सेवा में नियुक्ति भाई भतीजावाद के आधार पर दी जाती थी।
अतः शिक्षित वर्ग के लोगों में भी धीरे धीरे असंतोष फैलने लगा। ये शिक्षक स्वतंत्रता समानता का पाठ पढ़ चुके थे, अतः उनमें निरंतर राजनीतिक चेतना का विकास होता चला गया और इस तरह ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश शिक्षा ने भी राजनीतिक जनजागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर था समाचार पत्रों और साहित्य का योगदान। 1885 में राजपूताना गजट, 1890 में राजस्थान समाचार नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। इनमें ब्रिटिश सरकार के कार्यों की खुली आलोचना की जाती, अतः सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया। इसमें ब्रिटिश शासन के कार्यों की कटु आलोचना की जाती, अतः सरकार ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 1923 में प्रकाशित तरुण राजस्थान ने भी सरकारी दमन का दो जोरदार विरोध किया, जिसके कारण जनता में तीव्र राष्ट्रीयता की भावनाओं का संचार हुआ। साहित्यकारों ने भी समाचार पत्रों की भांति जनता में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने का प्रयास किया। केसरी सिंह बारड़ की कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार महाकवि सूर्यमल मिश्र भी वीर सतताई नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे यहाँ के भीरू शासक कपकपा उठे। इसके अतिरिक्त जयनारायण व्यास की कविताएं एवं पंडित हीरालाल शास्त्री के गीतों ने भी जनता में अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न की। फिर आता है मध्यम वर्ग का योगदान। मध्यम वर्ग ने भी जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में अपना सराहनीय योगदान दिया। जोधपुर के जयनारायण व्यास, बिजोलिया के विजय सिंह पथिक, जयपुर के हीरालाल शास्त्री आदि मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने आंदोलन को गति प्रदान की और इस वर्ग का मुख्य उद्देश्य जनता में राजनीतिक तथा राष्ट्रीय चेतना का विकास करना था। आधुनिक शिक्षा के प्रसार के माध्यम के परिणाम स्वरूप शिक्षित नवयुवक प्रजातंत्र, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के महान आदर्शों से अच्छी तरह परिचित हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश शासन की आधार स्तंभ सामंतवादी व्यवस्था, जो मध्यकाल से भारत में चली आ रही थी, उसको उखाड़ने का, उसको समाप्त करने का फैसला या निश्चय किया। परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग में उत्पन्न जागृति उसके द्वारा नेतृत्व प्रदान करने के कारण भी राजस्थान में जन जागृति उत्पन्न होने लगी। अब हम बात करते हैं समाज सुधारक दयानंद सरस्वती की और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज की। आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों ने भी भारतीय जनता और राजस्थान की जनता में जन जागृति, राष्ट्रीयता उत्पन्न करने का कार्य किया। जैसा आप सभी जानते हैं, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म, समाज एवं राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए कार्य कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान की भिन्न भिन्न रियासतों की यात्रा की, वहां के शासक तथा जनता के समक्ष चार बातें रखी: स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। राजस्थान के भिन्न भिन्न नगरों में भी आर्य समाज की शाखाएं स्थापित हुई। स्वामी जी ने 1883 में परोपकारिणी सभा नामक संस्था की स्थापना की। उन्होंने कहा कि वे हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं और राजाओं को सर्व या सही मार्ग पर लाना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने स्वशासन पर भी बल दिया। उनकी शिक्षाओं से राजस्थान के लोग में सामाजिक तथा धार्मिक आवश्यकताओं की अनुभूति करने लगे। राजनीतिक सुधारों के प्रति उनमें जागृति या जागरूकता उत्पन्न होने लगी। इस प्रकार दयानंद सरस्वती और उसके बाद आर्य समाज ने राजस्थान में राष्ट्रवाद और राजनीतिक चेतना की आधारशिला रखी। अब है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समस्त राजपूत राज्यों ने ब्रिटिश शासन की हर संभव सहायता की। जब राजपूत सैनिक विश्व के अन्य देशों
में युद्ध करने गए तो वहां की स्वतंत्रता, वहां की विचारधारा और वहां के आदर्शों से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। स्वदेश लौटने पर उन्होंने अपने मित्रों, पड़ोसी तथा अन्य लोगों को अपने अनुभवों के बारे में बात की, अपने अनुभवों को साझा किया और उस अनुभवों के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता की भावना प्रज्वलित होने लगी। प्रथम विश्व युद्ध में अपार धन राशि खर्च हुई थी, अतः उस परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने जनता का आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। तो एक तरफ स्वतंत्रता की भावना, दूसरी तरफ ब्रिटिश अत्याचार प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संपादित हुए उससे भी, उसके परिणाम स्वरूप भी लोगों में राष्ट्रीयता या राजनीतिक चेतना उत्पन्न होने लगी। अब बात करते हैं पड़ोसी राज्यों का प्रभाव। पड़ोसी प्रांतों में उमड़ती राष्ट्रीयता की भावना का भी राजस्थान पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस समय मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना करते हुए भिन्न भिन्न प्रांतों में अनेक संघों का निर्माण किया, जिसके परिणाम स्वरूप पाश्चात्य शिक्षा के लाभ उठा चुकी राजपूताना राज्य की जनता ने भी राष्ट्रीय पथ पर चलने का निश्चय किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने यह अनुभव किया कि ब्रिटिश प्रांतों में जिस तरह से स्वराज्य के लिए संघर्ष चल रहा है उसका प्रभाव देशी रियासतों की जनता पर पड़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उन लोगों के साथ या उनके ऊपर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए और इस तरह राष्ट्र की विचारधारा एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रसारित होने लगी और उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता का विकास या राजस्थान की जनता पर राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव स्थापित होने लगा। अब हम बात करते हैं अगले कारण की और वो है क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव। राजस्थान के क्रांतिकारियों ने भी राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी प्रमुख थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने राजस्थान क्रांतिकारियों के लिए पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार कर रखी थी। इस तरह इन क्रांतिकारी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जनमानस में राष्ट्रीयता या जन चेतना उत्पन्न होने प्रारंभ हो गई। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का विकास। 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें अजमेर के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया और 1895 में अजमेर से राजस्थान गजट और 1889 में राजस्थान समाचार नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, किंतु ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया। 1905 में बंगाल विभाजन के समय सारे देश में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो चुके थे और उसका राजस्थान पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। उस समय राजस्थान में भी स्थान स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं पर बल देते हुए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 1919 में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह इत्यादि क्रांतिकारियों ने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और इस सेवा संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतनाएं, राजस्थान में राजनीतिक जनजागृति उत्पन्न होने लगी। तो इस तरह हम देखते हैं ब्रिटिश सरकार की नीतियां, मध्यम वर्ग का योगदान और क्रांतिकारी और साहित्य का प्रभाव राजस्थान में जन जागरण या राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के कारक के रूप में स्थापित हुए। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।